Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to the channel. I am Udit Vagmode, MBA graduate from Ahmedabad and consultant by profession. And in this video, we are going to discuss about top 5 MBA interview questions. Okay, let's start with the first one. The first and the most basic one is tell me about yourself or introduce yourself. See, this is a very basic and very commonly asked interview question across all the MBA interviews, at least in India. इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू रूम में जा चुके हो, आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो, इंटरव्यू पैनल के हाथ में आपका रेज्यूमे है, वो आपका रेज्यूमे पढ़ रहे हैं और वो आपको एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब उनके साथ उनको रेज्यूमे पढ़ने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे, वो एक्चुअली दिमाग में सोच रहे कि यार आई हैव सीन दिस गाय ओनली फॉर लास्ट 2 मिनट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट आई शुड आस्क हिम, बिकॉज सी दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे। वो रेज्यूमे पढ़ रहे हैं, सोच रहे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ये है, आपका वर्क एक्सपीरियंस ये है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये एक्टिविटीज है, आप इस टाउन से आते हो, वो इन चीजों को सोच रहे हैं। इन 2 मिनट्स में ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके बारे में इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो आपको क्या बताना है, आपको आपके बारे में बताना है, आप कहां से आते हो बताना है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है बताना है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है बताना है। बट आपको ये जल्दी लाइक मे बी यू टू कवर दिस इन 1 मिनट एंड इन द रेस्ट 1 मिनट और 1.5 मिनट आपको हाईलाइट करना है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबल हो, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आपका वहां पे एक यूनिक एडवांटेज है, तो मे बी इन द लास्ट 1 मिनट ऑफ योर इंट्रोडक्शन यू शुड हाईलाइट योर वर्क एक्सपीरियंस पार्ट। अगर आपको लगता है कि आप कैडक्स में बहुत अच्छे थे एंड दैट इज द रीजन वाई आई मीन यू आर द मोस्ट लायबल पर्सन फॉर दिस MBA पोजिशन, तो मे बी यू शुड हाईलाइट योर एकेडमिक एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी थे एंड आपके नेक्स्ट सारे सवाल या फिर नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द सवाल अगर उसी पे आए तो मे बी हो सकता है आप उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से मेंशन करेंगे। सो दिस 2 मिनट्स आर गिवन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ड्राइव योर इंटरव्यू। ओके, अगर आपको डिटेल में जाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे देना है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन MBA इंटरव्यू, वाई MBA। सी, इंडिया में ट्रेंड है कि हर कोई इंजीनियरिंग या फिर CA या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद सेकेंड डिग्री के लिए सोचता है तो वो MBA के बारे में ही ज्यादा सोचता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वो ग्रेजुएट आउट ऑफ देयर कॉलेज दे आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, तो वो सोचती है कि क्या करें, कोई नहीं, और 1-2 साल पढ़ लेते हैं, MBA कर लेते हैं, MBA के बाद कहीं पे बिजनेस में जॉब कर लेंगे एंड अच्छे से पैसे कमा लेंगे। नाउ दिस इज अ हर्ड मेंटालिटी, सब लोग ये कर रहे हैं इसलिए मैं MBA कर रहा हूं, एंड प्रोफेसर भी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए वो एक क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल कि वाई MBA। द पर्पज ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल कि उनको बस जानना है कि आप एक हर्ड मेंटालिटी की तरह एक MBA करने आ रहे हो या आपके दिमाग में क्लियर है कि आप MBA क्यों करना चाहते हो। अब क्लैरिटी कैसे दिखानी है उनको, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार दिस इज माई लाइफ गोल, आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन, this is where I want to go in the next 4 or 5 years and this is how I will do this by doing MBA. तो आपको MBA as a part of the journey to reach your goal highlight करना है। Maybe this will be a perfect answer. Why MBA is a question जिसका सही आंसर देने से आपको कोई brownie point नहीं मिलने वाला, बट अगर आप गलत जवाब दोगे तो पक्का आपका इंटरव्यू में चांस तो कट जाएगा। सो प्रिपेरिंग फॉर वाई MBA इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। सी, जब भी आप MBA करोगे, MBA के बाद आप जॉब करने जाओगे, तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हो, सो योर एप्लीकेशन ऑफ ऑल द MBA लर्निंग्स इज गोइंग टू बी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो इफ MBA पैनल वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड यू कि आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कैसा है, सो देर इज नो अदर बेटर प्रॉक्सी देन टू अंडरस्टैंड योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने जॉब किया है, अगर आपने इंटर्नशिप करी है, तो आपका इंटर्नशिप एवं जॉब का एक्सपीरियंस कैसे था, ये एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है इंटरव्यू पैनल के समझने के लिए कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे बिहेव करते हो। तो आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या अचीवमेंट्स किए, आपका एक्सपीरियंस कैसे था, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे थे, आपकी टीम कैसी थी, आपकी कंपनी कैसी थी, आपकी इंडस्ट्री कैसी थी, ये सारी चीजें इंडस्ट्री दैट इंटरव्यू पैनल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ओके, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो, 3 चीजें प्रिपेयर करनी होती है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आपको सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री समझनी है। अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं
तो आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल हो डोमेस्टिक हो। सेकेंड, आपको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या करती है, ओवरऑल बिजनेस क्या है, कितना रेवेन्यू है, कौन सीईओ है, क्या ग्रोथ है, मार्केट में क्या लेवल है कंपनी का, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड थर्ड, आपको आपके रोल के बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ईच ऑफ दिस, हाउ टू प्रिपेयर अबाउट इंडस्ट्री, हाउ टू प्रिपेयर अबाउट योर कंपनी एंड हाउ टू प्रिपेयर अबाउट योर रोल। इन तीनों वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ओके, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू वांट टू चूज आवर एमबीए कॉलेज। इमेजिन करो आप आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको यह सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आई एम अहमदाबाद एंड नॉट आई एम बैंगलोर और आई एम कलकत्ता। अब इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आई एम अहमदाबाद इज द बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, वो उनको भी पता है, एंड एनीबडी विल गिव दिस आंसर बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट आंसर, राइट? शायद दे वॉन्ट यू टू आंसर दिस इन अ लाइटली कस्टमाइज्ड वे। तो आपको बताना है कि यार शायद यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स और यू आर इंटरेस्टेड इन टू मार्केटिंग एंड दीज आर द थ्री और फोर मार्केटिंग प्रोफेसर और दीज आर द थ्री और फोर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एट आई एम अहमदाबाद जिनके अंडर आपको एजुकेशन करना है। यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देम, यू वॉन्ट टू डू प्रोजेक्ट्स अंडर देम एंड मे बी दैट इज अ अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट व्हाइल डूइंग एमबीए एट आई एम अहमदाबाद। और या फिर आपको यह बोल रहा है कि आई एम अहमदाबाद इज द बेस्ट कैंपस व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड यू वॉन्ट टू बिकम अ कंसल्टेंट डाउन द लाइन, सो दैट्स व्हाई यू वॉन्ट टू जॉइन अहमदाबाद। सो मे बी दिस कैन बी अ कस्टमाइज्ड आंसर टू टेल देम कि व्हाई आई वॉन्ट टू जॉइन यूर कॉलेज। Now see, this answer will be very simple for colleges like IIM Ahmedabad because IIM Ahmedabad has a very special characteristics that most of the MBA colleges might not have. But let's say IIM Kozhikode, IIM Indore join करने जा रहे हैं, okay? And आपके पास IIM Ahmedabad का भी offer है, मतलब interview call है, तो हो सकता है कि it will be very hard for you to answer why do you want to choose IIM Kozhikode or IIM Indore over IIM Ahmedabad, okay? तो आपको थोड़ा आपके कॉलेज के बारे में देखना पड़ेगा, आपके प्रोफाइल के बारे में देखना पड़ेगा एंड कुछ ना कुछ तो कस्टमाइज आंसर बनाना पड़ेगा। This question is slightly tricky, not very vastly asked across all the interviews, but अगर पूछा गया तो this can be a deal breaker. Okay? Now coming to fifth most important question is what are your goals? Now this question is not just limited to MBA interviews, but this question is across all the interviews, be it your job interview, MBA interview or any other interview for that matter. आपको 5 साल में 10 साल में क्या करना है? Now nobody is interested in understanding कि आपके goals क्या है, everybody is interested in understanding कि आपकी आपको clarity है या नहीं। देखो हो सकता है dreams आपके बहुत change होंगे, आपके life के goals change होंगे, but आपको clarity होना उस moment पे बहुत important है। अगर आपको clarity नहीं है तो आपके जो भी efforts है वो direction less है। So panel interview panel wants to ensure that कि आपको आप जो भी करना चाहते हो उसके बारे में clarity हो, okay? And that's why understanding about your life goals, where do you want to see yourself in 5 years or 10 years down the line becomes very important. Now you don't have to answer this question very specifically like mujhe I want to be a CTO of a SaaS SaaS company or I want to be a product manager in a top tech company. Itna specific hone ki zarurat nahi, but aapko ek generalistic understanding hai ki like I want to become a good leader in technology industry or I want to become a leader in the maybe consulting industry. I want to lead a team of 4 to 5 people. I want to make a client impact, business impact. I want to be in that driver's position who will make a business decisions, who will create impact through his own decisions. I want to learn about XYZ things. Or I want to work in this particular geography. These can be your broad level goals. Jyada specific nahi banna hai yahan pe bas aapko generalistic perspective se answer dena hai ki bhai this is where I want to go. Okay? So these are the 5 important questions according to me in the entire MBA interview. अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको प्रिपेयर करना है कि यार मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर कैसे कर सकता हूं, अगर आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आंसर्स कस्टमाइज करवाने हैं, तो आई हैव गिवन यू अ लिंक इन द फर्स्ट कमेंट एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो वेयर यू कैन बुक 1-on-1 सेशन विद मी। सो प्लीज फील फ्री टू बुक अ सेशन विद मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। सी यू इन अनदर वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।